नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक हमारे पास है रिलेशन बिटवीन आइंस्टाइन कोफिशियंट्स। तो लेजर फिजिक्स में आज हम ये पढ़ेंगे, आइंस्टाइन कोफिशियंट्स के बारे में हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, हम आज पढ़ेंगे उनके बीच में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो मैं एक आपको एक क्विक रिव्यू दे देता हूँ जो आज हमें पढ़ना है। तो जैसे मैंने बताया, रिलेशन बिटवीन आइंस्टाइन कोफिशियंट पढ़ेंगे, तो हम फिर देखेंगे अंडर स्टेडी कंडीशंस रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन और रेट ऑफ इमिशन किस तरीके से इक्वल होता है। फिर हम बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की मदद से और प्लैंक रेडिएशन लॉ की मदद से रिलेशन निकालेंगे आइंस्टाइन कोफिशियंट्स के बीच में, और क्या कंक्लूजन आइंस्टाइन कोफिशियंट्स का जो रिलेशन है उससे हमें मिलता है, लेज़र एम्प्लीफिकेशन में क्या मदद मिलती है, वो आज हमें करना है। ठीक है, तो बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। तो जैसे मैंने कहा आइंस्टाइन कोफिशियंट्स, तो देखो मैं क्विक रिव्यू दे देता हूँ आइंस्टाइन कोफिशियंट्स के बारे में। देखो आइंस्टाइन कोफिशियंट जो होता है हमारे पास दो तरीके का होता है, एक तो हम लिखते हैं ए से और एक को लिखते हैं हम बी से। ठीक है, बी से जिसको लिखते हैं उसको हम बोलते हैं स्टिमुलेटेड। क्या बोलते हैं? स्टिमुलेटेड। अब ये स्टिमुलेटेड हमारे पास एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है, या स्टिमुलेटेड इमिशन होगा, समझ में आई बात। तो यदि एब्जॉर्प्शन होगा तो एब्जॉर्प्शन लोअर एनर्जी लेवल से हो सकता है तो एक से दो में जाएगा, इमिशन होगा तो दो से एक में आएगा, इस तरीके से लिखते हैं, ये स्टिमुलेटेड हो गया। तो आइंस्टाइन कोफिशियंट होता है एक दूसरा जिसको हम ए बोलते हैं, कैपिटल ए, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस। अब इसमें भी एब्जॉर्प्शन हो सकता है, एब्जॉर्प्शन हो सकता है और इसमें भी इमिशन हमारे पास हो सकता है। तो यदि स्पॉन्टेनियस एब्जॉर्प्शन होगा तो देखो एब्जॉर्प्शन ए से दो और स्पॉन्टेनियस इमिशन होगा तो टू से वन, इस तरीके से हम लिखते हैं, समझ में आई बात। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखो आइंस्टाइन कोफिशियंट क्या होता है, ये मैथमेटिकल क्वांटिटीज़ हैं जो हमें प्रोबेबिलिटी बताती हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ इमिशन की। एब्जॉर्प्शन होगा या एमिशन होगा उसकी जो प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच होती है उसके बारे में हमें बताती है। ठीक है, तो हम कंसीडर करते हैं दो एनर्जी लेवल्स E1 और E2। E2 ज़्यादा है E1 से, ये अपर एनर्जी लेवल हो गया और ये लोअर एनर्जी लेवल हो गया। ठीक है, और देखो लोअर एनर्जी लेवल में N1 पार्टिकल्स हैं, हायर में N2 पार्टिकल्स हैं। अब यहाँ ध्यान से देखो इसमें क्या हुआ है, एब्जॉर्प्शन हुआ है। क्या हुआ है? एब्जॉर्प्शन। अब बाहर से हमने एक फोटोन इंसिडेंट किया तो ये स्टिमुलेटेड हुआ ना, तो बाहर से हमने एक फोटोन इंसिडेंट किया, फोर्स किया, तभी एब्जॉर्प्शन हुआ। तो देखो स्टिमुलेटेड के केस में बी लिखा है, वन से टू में गया। अब यहाँ बात करें हम, देखो यदि आप, तो ये क्या है, स्पॉन्टेनियस इमिशन। यहाँ पे नीचे अपने आप आया, तो जब अपने आप आया तो एनर्जी देखो रिलीज हो गई, HMU एनर्जी रिलीज हुई, ये स्पॉन्टेनियस है तो ए से लिखेंगे टू और ये हो गया वन, समझ में आया। स्पॉन्टेनियस को हम ए से लिखते हैं, स्टिमुलेटेड को बी से लिखते हैं, बस आपको इतना ध्यान रखना है। इंड्यूस्ड इमिशन की यदि मैं बात करूँ, देखो यहाँ पर जो हमारे पास पार्टिकल है उसने किसके साथ इंटरेक्ट किया, बाहर से जो मैंने फोटोन इंसिडेंट किया था उसके साथ इंटरेक्ट किया। तो देखो ये तो वो फोटोन हो गया जो हमने इंसिडेंट किया था, और यहाँ से यहाँ जो पार्टिकल आया उसने जो एनर्जी रिलीज की है वो ये है, तो दोनों 2HMU एनर्जी रिलीज हो गई। ठीक है ना, तो ये दो से एक में आया, तो दो से एक में आया, ये हो गया स्टिमुलेटेड, कोई डाउट है? ठीक है ना, तो ये ऑलरेडी हम प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं। तो देखो द थ्री प्रोसेसेस, जो हमारे पास तीन प्रोसेस है, ये एब्जॉर्प्शन हो गया, स्पॉन्टेनियस इमिशन हो गया, और ये हमारे पास स्टिमुलेटेड इमिशन बोलते हैं या इंड्यूस्ड इमिशन बोलते हैं, साइमल्टेनियसली होते हैं, ये एक साथ होते हैं हमारे पास। ठीक है, अब ध्यान से देखना, बिल्कुल अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन, या हम कहें इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, ठीक है ना, अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन जो एब्जॉर्प्शन होता है और इमिशन होता है वो बैलेंस करता है एक दूसरे को, तभी रियल प्रैक्टिस यही होती है। ठीक है, हमारे पास नेचुरली जो कोई भी प्रोसेस होता है हमारे पास जिसमें इमिशन एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन होगा वो इक्वल होगा रेट ऑफ इमिशन के अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन, समझ में आई बात। ठीक है, तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन की बात करें तो हमारे पास रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ये हो गया, रेट ऑफ इमिशन की बात करें तो इमिशन देखो दो तरीके से है। अब यहाँ देखो एक तो इमिशन ये था, एक इमिशन ये था, एक स्पॉन्टेनियस इमिशन है, एक स्टिमुलेटेड इमिशन है, तो एक स्पॉन्टेनियस इमिशन है, एक स्टिमुलेटेड इमिशन है, समझ में आया। अब ध्यान से देखो
यहाँ पे एब्जॉर्प्शन क्या था, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन ही तो था। ये जो एब्जॉर्प्शन यहाँ पे है ये क्या स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन है, स्पॉन्टेनियस एब्जॉर्प्शन नहीं होता, अपने आप एब्जॉर्प्शन नहीं होता बिल्कुल भी, ये मैंने बताया था। जो स्पॉन्टेनियस एब्जॉर्प्शन को कैसे लिखेंगे, ए फॉर स्पॉन्टेनियस, और एब्जॉर्प्शन हो रहा है एक से दो में, तो वो हमेशा क्या होता है जीरो होता है। स्पॉन्टेनियस एब्जॉर्प्शन क्या होता है जीरो होता है, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको डिस्कस किया था, अब देख सकते हैं जाके, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन और रेट ऑफ इमिशन क्या होगा इक्वल, ये हमने लिखा। तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को हम क्या लिखते हैं, मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ ध्यान से देखिए, ये मेरे पास सपोज ये एब्जॉर्प्शन हुआ है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, समझ में आया। अब देखो, तो जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लोअर एनर्जी लेवल में कितने पार्टिकल्स हैं। तो लोअर एनर्जी लेवल में मान लो एन वन पार्टिकल्स हैं, ठीक है, तो यहाँ से एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो इसमें कितने पार्टिकल्स हैं, और एनर्जी डेंसिटी जिस, अब इस पर फोटोन इंसिडेंट करेंगे, हम एनर्जी देंगे इस पार्टिकल को तभी तो ये एब्जॉर्ब होगा, तो जो एनर्जी हमने दी है, जो एनर्जी डेंसिटी दी है उस पर निर्भर करता है, ठीक है। तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन हमारे पास क्या आता है, बी वन टू एन वन रो म्यू, ये हमारे पास रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन आता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। इसी तरीके से रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस हमारे पास क्या होता है, उस कहाँ से होगा, दो से वन में, ये एन टू प्लस स्टिमुलेटेड इमिशन टू वन एन टू रो, ये मैंने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया हुआ है कि ये रेट ऑफ इमिशन और किस तरीके से आता है, आप जाकर प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन और इमिशन हमने इक्वल कर दिए, यहाँ पर भी एनर्जी डेंसिटी है, यहाँ पर भी एनर्जी डेंसिटी है, मैं इसको इधर लिया है तो कॉमन ले लिया, ये आ गया, तो एनर्जी डेंसिटी का हमारे पास, ये सिंपली डिनोमिनेटर में चला गया, तो ये एनर्जी डेंसिटी का हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, आप इसको याद रख सकते हो, नहीं तो याद नहीं रख सकते, तो आपको ये प्रोसेस है, यदि याद है तो आप एग्जाम में, एक्चुअली में पूछा गया है चार ऑप्शन देके, तो आपको ये प्रोसेस याद है तो विद इन अ सेकेंड आप इस चीज़ को यहाँ से निकाल सकते हो, याद रखने की भी आवश्यकता नहीं है। अब देखो, दोनों न्यूमरेटर को भी, इसको भी और डिनोमिनेटर को भी मैंने डिवाइड कर दिया बी वन टू एन टू से, ठीक है ना, इससे मैंने क्या किया, इसको डिवाइड किया। देखो, जब न्यूमरेटर को डिवाइड करूंगा, इसको तो एन टू से एन टू कटेगा, तो ऊपर क्या बचेगा, ए टू वन बी वन टू बचेगा, ठीक है। जब इसको डिवाइड करूंगा तो बी वन टू है, बी वन टू से कट जाएगा, एन वन अपोन में एन टू बचेगा। जब इससे करूंगा तो एन टू से एन टू कटेगा, बी टू वन बी वन टू बचेगा। अब आप कहोगे इसी से क्यों डिवाइड किया, देखो ये जो टर्म देख रहे हो ना आप, ये याद रखने की आवश्यकता नहीं है, देखो ये जो टर्म देख रहे हैं ना, इससे भी आप डिवाइड कर सकते थे न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को, ठीक है ना। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं आगे बताऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हमारे पास एनर्जी डेंसिटी आ गई, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होता है, नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं ना किसी भी एनर्जी लेवल में, इवन एनर्जी लेवल में हो, इवन एनर्जी लेवल और ये ई टू एनर्जी लेवल, थर्मल इक्विलिब्रियम में देखो कितना होता है, एन वन इज इक्वल टू एन नोड एक्सपोनेंशियल माइनस ई वन अपोन में की टू के ठीक, ठीक है ना। और सेकेंड एनर्जी लेवल में एन नोड क्या है, पॉपुलेशन है ग्राउंड स्टेट की, ये लोअर एनर्जी लेवल है एन वन, ये हायर एनर्जी लेवल है, और एन नोड क्या होगी ग्राउंड स्टेट की, समझ में आई बात, ठीक है। अब देखो, दोनों का यदि मैं रेशियो लूँगा तो एन नोड से एन नोड कटेगा, मेरे पास ये आ जाएगा, तो ई टू माइनस ई वन माइनस एच में ओपन में के टी आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो इसका वैल्यू ना उठा के आपने यहाँ रख देना है सिंपली यहाँ पे। अब जब देखोगे यहाँ पे रख, देखो एन टू अपॉन में एन वन है, माइनस है, यहाँ एन वन है, तो ये प्लस में चला जाएगा मेरे पास, तो सिंपली मेरे पास देखो क्या बचेगा, तो ये वैल्यू जब मैं रख दूंगा, ए टू अपॉन में ए वन बी वन टू ई एच में अपॉन में के टी माइनस बी टू वन, ये आ गया। अभी देखो एनर्जी डेंसिटी है, क्या है ये, एनर्जी डेंसिटी है, ठीक है ना। अब एनर्जी डेंसिटी जो होता है ना रेडिएशन का किसी टेम्परेचर पर, वो प्लैंक्स रेडिएशन के लॉ के हिसाब से ये होता है ये, ठीक है। तो दोनों तो इक्वल होना चाहिए, ये भी एनर्जी डेंसिटी है, ये भी एनर्जी डेंसिटी है, तो जब हम कंपेरिजन करेंगे, आप देखो न्यूमरेटर में हमारे पास क्या है, ये है पूरा, ठीक है, और ये इस यहाँ ये क्या है वन है, यहाँ पे वन आएगा ना इससे कंपैरिजन करने पर, ये क्या है वन है। तो जब हम इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो ए टू वन बी वन टू आएगा, एट पाई म्यू क्यूब एच एन क्यूब अपोन में सी क्यूब, और बी टू वन और बी वन टू किसके इक्वल आ गया, वन के। अब ध्यान से देखो,
एन जो है ना हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उस मीडियम में जिस मीडियम में रेडिएशन है, समझ में आए बात। एन क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, समझ में आई बात। इस बात का विशेषकर आपको ध्यान रखना है। अब ध्यान से देखो, देखो ये B21 और B12 इक्वल है, तो इसका मतलब है, देखो ये जो टर्म है ना यहाँ पे, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो याद रखने का बहुत आसान है। देखो A लिखा, B लिखा, 2-1, 2-1, क्योंकि B12 और B21 इक्वल होते हैं ना, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ। तो बच्चे याद रखने में इसको कन्फ्यूजन होता है, तो इसको आप ध्यान से रख सकते हो, ठीक है। अब गौर से देखो, देखो ये जो दो एक रिप्रेजेंटेशन मुझे मिला है ना, जो दो इक्वेशंस मिला है, यही आइंस्टाइन रिलेशन है। द अबव इक्वेशंस आर आइंस्टाइन रिलेशन, ठीक है ना। देखो ए तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, बी स्टिमुलेटेड प्रोसेस होता है, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन नहीं तो आया ये, ठीक है। सो द कोफिशियंट्स B12, B21 and A21 आर द नोन एज आइंस्टाइन कोफिशियंट, और ये किस इक्वेशन से रिलेटेड है? इस एक सिंगल इक्वेशन से रिलेटेड है। देखो कैसे, देखो B12 किसके इक्वल है? B21 के, है ना, इक्वल आ गया। अब देखो यहाँ से मैं इसको निकाल सकता हूँ एट इसके टर्म्स में, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो देखो ये आ गया मेरे पास सिंपली, समझ में आई बात। तो आप एक इक्वेशन ध्यान रखना, देखो ध्यान कैसे रखना है आपको मैं बताता हूँ, ध्यान से देखो। ए रखना है 2-1, फिर B21 8π म्यू क्यूब होगा, फिर एन का भी क्यूब होगा, फिर प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, और नीचे C³, समझ में आ गई बात। और हम जानते हैं B21 इक्वल होता है B12 के, तो ये याद रखने वाली चीज़ है, क्योंकि ये बहुत आगे काम आएगी, समझ में आई बात। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन थी जो हमने प्रूव करनी थी, तो ये हमारे पास आइंस्टाइन रिलेशन है। अब इससे क्या कंक्लूजन हमें मिलता है वो आपको ध्यान से देखो। देखो ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल, ये तो है पहली रिलेशन हमारे पास, तो इसका मतलब क्या, जो कोफिशियंट है ना स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन का और स्टिमुलेटेड इमिशन का, देखो बी स्टिमुलेटेड प्रोसेस रिप्रेजेंट करता है, तो ये क्या हुआ एब्जॉर्प्शन, और टू और उससे वन में गया क्या हुआ इमिशन, ये न्यूमेरिकली इक्वल आ रहे हैं ना दोनों कोफिशियंट न्यूमेरिकली इक्वल। तो इसका मतलब देखो क्या हुआ, ध्यान से देखो, इट शुड बी नोटेड, देखो ये बात ध्यान देने वाली है, जो ये दोनों इक्वल होते हैं अंडर स्पेशल कंडीशन डेट द क्वांटम स्टेट्स E1 and D2 आर सिंगल एनर्जी लेवल, डेट इज नॉन डीजनरेट लेवल। ये दोनों नॉन डीजनरेट लेवल है, दोनों ही क्या है नॉन डीजनरेट। अब कैसे, क्यों मैं ऐसा कह रहा, ध्यान से देखो, ये मेरे पास दो एनर्जी लेवल है ना, ठीक है ना, तो इसके लिए ये इसके, ये भी एक सिंगल लेवल है, ये भी एक सिंगल लेवल, तो इसके लिए B12 के इक्वल होगा B21 के। अब मान लो जी ये मेरे पास दो लेवल हो गए यहाँ पे, ध्यान से देखो, ये प्रोसेस हो गया, ठीक है ना, तीन लेवल है यहाँ पे, यहाँ पर कितने हैं दो लेवल। अब इन दोनों लेवल का एनर्जी मान लो कितना, 5 यूनिट, यहाँ पे तीन लेवल, इन तीनों लेवल का एनर्जी मान लो कितना, 8 यूनिट, समझ में। यह तो ये डीजनरेट हो गए, क्या हो गए डीजनरेट, एनर्जी तो सेम है लेकिन लेवल कितने है? 3 है, एनर्जी लेवल्स कितने है? 3 विद सेम एनर्जी, ठीक है ना। अब देखो यहाँ भी ट्रांजिशन हो सकता है, यहाँ भी ट्रांजिशन हो सकता है, यहाँ भी ट्रांजिशन हो सकता है, यहाँ से भी ट्रांजिशन हो सकता है, यहाँ से भी, तो इसमें जो प्रोबेबिलिटी होगी ना ट्रांजिशन की वो इक्वल नहीं होगी। इक्वल कब होगी, जब सिर्फ मात्र दो 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 होंगे, यानी नॉन डीजनरेट होगा, सिंगल एनर्जी लेवल होगा, समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये हमारे पास एक्चुअली B12, B21 क्या दिखाते हैं, ये प्रोबेबिलिटी तो दिखाता है अपवर्ड एब्जॉर्प्शन की, इक्वल होती है प्रोबेबिलिटी डाउनवर्ड ट्रांजिशन की। आइंस्टाइन कोफिशिएंट क्या है, दे आर द मेजर ऑफ द प्रोबेबिलिटी, दे मेजर्स द प्रोबेबिलिटी, इजंट इट। तो ये दोनों इक्वल होते हैं जब ये नॉन डीजनरेट लेवल होते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने आपको बताई है, ध्यान रखना। दूसरा, अब देखो इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, ए क्या है, ए हमारे पास स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, बी स्टिमुलेटेड। अब देखो स्टिमुलेटेड प्रोसेस जो है ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के क्यूब के, समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ। तो स्टिमुलेटेड प्रोसेस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के क्यूब के, तो जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी हमने डाली थी उसका फ्रीक्वेंसी यदि ज़्यादा होगा तो स्टिमुलेटेड प्रोसेस क्या हो जाएगा, कम। और जो लेज़र एक्शन होता है ना, लेज़र एक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, स्टिमुलेटेड इमिशन ही तो चाहिए, ठीक है ना, स्टिमुलेटेड इमिशन चाहिए। तो यदि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो स्टिमुलेटेड इमिशन तो कम हो जाएगा, तो यानी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पे ना लेजिंग एक्शन डिफ़िकल्ट हो जाता है,
आप इस चीज को ऐसे समझो, देखो ये पूरा रेशियो, देखो ये पूरा रेशियो देख लिया आपने, ये पूरा रेशियो प्रोपोर्शनल है म्यू क्यूब के, जो रेशियो है ना ये रेशियो, ये क्या है, प्रोपोर्शनल है थर्ड पावर ऑफ फ्रीक्वेंसी के, समझ में आया। डेट इज वाई इट इज डिफिकल्ट टू अचीव लेजर एक्शन इन हाई फ्रीक्वेंसी रेंज। अभी जैसे मैंने बताया लेजर एक्शन के लिए हमें स्टिमुलेटेड चाहिए, तो स्टिमुलेटेड तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया नहीं, तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो स्टिमुलेटेड प्रोसेस कम होगा, और स्टिमुलेटेड इमिशन बहुत जरूरी होता है लेजिंग एक्शन के लिए। अब इसी वजह से ना एक्सरे वगैरह, एक्सरे का तो फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होता है ना, समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ, तो इस वजह से डिफिकल्ट होता है लेजिंग एक्शन विद फ्रीक्वेंसी वेरी हाई, समझ में आई बात। तो ये था हमारा टॉपिक, मिलते हैं अगले पोर्शन में, तब तक पढ़ते रहिए, नमस्कार।